गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विजय रिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि इनके चैनल पर जो व्यूज़ का रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है और हर किसी यूट्यूबर को यही चाहिए कि उसके जो वीडियोज़ हैं उस पर व्यूज़ आना चाहिए। और खासकर अगर आप एक ब्लॉग चैनल चलाते हैं तो आपको भी विजय रिया ब्लॉग चैनल के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, ये है विजय और ये है रिया और ये इनकी बेटी है चांदनी। ये तीनों लोग मिलकर ब्लॉग बनाते हैं और ये अपना फैमिली ब्लॉग, अपना जो कपल ब्लॉग है, घर में क्या खाना बनाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिर उन्होंने कुछ यूट्यूब से खरीदा है, यूट्यूब की मनी से खरीदा है, जो अचीव किया यूट्यूब से, वो सारा कुछ अपने वीडियोज़ में दिखाते हैं और इनकी वीडियो पर भर भर के व्यूज़ आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे के अंदर वीडियो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और इनका वीडियो 5-6 दिन के अंदर मतलब 2-3-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो फिलहाल ऐसा क्या है इनके ब्लॉग्स में और आपके ब्लॉग पर व्यूज क्यों नहीं आता है, आखिर इनके जैसा आप भी अपने ब्लॉग चैनल पर व्यूज कैसे ले सकते हो, तो आखिर इनके अंदर ऐसा क्या खास है जो आप अपने चैनल पर नहीं कर पा रहे हो जिस वजह से आपका व्यूज नहीं आ रहा है। तो बात भी सही है क्योंकि वो भी ब्लॉग बना रहे हैं, आप भी ब्लॉग बना रहे हो लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विजय रिया ब्लॉग्स है इनका पहले भी यूट्यूब पर एक्सपीरियंस रहा था, मतलब इन्होंने पहले भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पर इन्होंने काम किया था और वो यूट्यूब चैनल इन्होंने शायद छोड़ दिया या डिलीट हो गया, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन पहले इनका एक दूसरा यूट्यूब चैनल था। इन्होंने शायद किसी वीडियो में बताया भी है क्योंकि मैं इनका वीडियो एक्चुअली देख लेता हूँ। खासकर इनके ब्लॉग में जो बात है ना वो आपको इनका ब्लॉग देखने के बाद ही पता लगेगी, क्योंकि अगर आप इनका एक ब्लॉग देख लेते हो तो आपको इनकी लैंग्वेज पसंद आ जाएगी, मतलब ये इतने प्यार से इनके जो भाषा है वो है और वो आपको पसंद आ जाएगी, आप इनका अगला ब्लॉग जरूर देखेंगे। और अगर आपने 2 ब्लॉग या 3 ब्लॉग इनके देख लिए तो फिर इनके नए ब्लॉग आपके होम पेज पर ऑटोमेटिक यूट्यूब शो करने लगता है और फिर आपका मन करेगा क्योंकि आपको इनकी लैंग्वेज, इनका जो रहन सहन है वो अच्छा लगने लगता है। तो मतलब क्या है कि इनके ब्लॉग्स को देखकर इनके फैमिली से लोग घुल मिल जाते हैं जिस वजह से इनका जो व्यूज़ रेशियो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है। और ये खासकर गाँव की चीज़ें, अपने घर में क्या बना है, कैसा बना है, क्योंकि ऐसे खाने जो दिखाते हैं वो लोगों ने खाए भी नहीं होंगे, तो ऐसी चीज़ें लोगों को देखने में काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब लोग क्या देखते हैं यूट्यूब पर, कुछ यूनिक होना चाहिए, तो मतलब जो खाना लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो वो एक नए नाम से वहाँ पर यूट्यूब पर आ रहा है तो उस चीज़ को कौन नहीं देखना चाहेगा। और भी मतलब इन्होंने जो YouTube से कमाया है उससे बहुत कुछ अचीव किया है, इन्होंने अपना एक नया घर बनाया है, इन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है, मतलब इनकी मेहनत को भी देखिए, ऐसा नहीं है इन्होंने मेहनत नहीं की है, इनको ऐसा ही पैसा मिल रहा है, ये YouTube से बहुत कमा रहा है, इनका व्यूज़ आ रहा है, मेहनत की है भाई। आप इनके YouTube चैनल को बैक से देखोगे ना, बिल्कुल बैक साइड से, तो आप देखोगे इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना जो ब्लॉग बनाते हैं उसमें इस तरीके से बोलिए कि जो सामने वाले जो लोग हैं जो आपके ब्लॉग्स को देख रहे हैं वो आप में घुल जाएँ, मतलब ऐसे समझिए कि आप उनको एक फैमिली की तरह देखिए और आप उनको अपना फैमिली समझिए और वो आपको अपनी फैमिली समझेंगे तो वो आपको ज़रूर देखेंगे क्योंकि वो आपके फैंस बन जाएंगे। तो और वैसे आप इनके ब्लॉग चैनल को देखिए, 3-4-5 वीडियो देखोगे उसके बाद आपको इनके ब्लॉग चैनल से बनाने का आइडिया मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आए यूट्यूब पर और कुछ भी बनाने लगे। आपको अपने कैटेगरी के काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स को देखना है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं तो ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वही आपको बनाना चाहिए। और आपको सभी को बता दूँ कि मैंने भी अपना एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर लिया है जिस पर मैं कंटिन्यूस बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाला हूं। तो अगर आपने हमारा वो ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, चैनल को विजिट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।